नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शान और आप देख रहे हैं अनबॉक्स वैट। ये दोस्तों ये नया वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको इस वीडियो को फॉलो कर लेना होगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादातर आपको लोगों से आप अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको पेड वर्जन ही मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर आप अगर लोगों सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप अगर सर्च करेंगे लोगो क्रिएट करके तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब मैं फर्स्ट लिंक को ही क्लिक करता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा, तो इसको मैं आपको अगर क्रिएट कर डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना माई प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा था, तो आप देख सकते हैं मैंने जब इसको क्रिएट किया है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाई लोगो। तो मुझे लगा ये पहले फ्री होगा, फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे इसको पेमेंट कर लेना होगा। और पेमेंट का प्राइस आप देख सकते हैं कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस छोटे से लोगों का प्राइस आपको कितनी दिख रही है, 2490 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये पैसा है आप सिंपल लोगों के लिए। तो आपको मैं बता दूंगा आज के एक वीडियो में कि आप कैसे नॉर्मली लोगो आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स के लिए। बहुत ही इजी स्टेप से बस आपको इस वीडियो का अच्छी तरह से फॉलो कर लेना होगा। तो चलिए पहले इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, उसके बाद नए क्रोम को ओपन कर लेते हैं। और आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको वेबसाइट की, उसको आप खोल लेना होगा अपने पीसी पे। तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। वेबसाइट का नाम है canva.com। तो आपको यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको लॉगिन कर सकते हो या क्या इंटरफेस कैसा है। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगआउट कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, या फिर यहाँ पे फेसबुक या गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे कौन सा प्रोसेस के लिए, मतलब कौन से चीज़ के लिए आप लोगों बनाना चाहते हैं। जैसे एडुकेशन के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, लार्ज कंपनी के लिए, नॉन प्रॉफिट या प्रोफेशनल पर्सनल होम के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर नए साइनअप करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर स्मॉल बिजनेस या फिर पर्सनल पर यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर जाना होगा। लॉगिन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सीधे अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। तो मैं अपने गूगल अकाउंट से अभी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। करने के बाद आप देखते हैं कैसा इंटरफेस आता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, फाइन टेम्पलेट्स पे जाना होगा। फाइन टेम्पलेट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट्स नीचे की तरफ दिख रहे होंगे कि ये इतने सारे टेम्पलेट्स हैं। तो आपको किसी एक को यहाँ से चूज़ कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा जाना होगा लोगोस पर। लोगोस पर जाइए। लोगोस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगो देखता हूँ, जैसे कि मुझे एक लोगो मिल चुका है ये वाला। ये वाला लोगो को मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ और यूज़ द टेम्पलेट करता हूँ। तो करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको एडिट करने के लिए बस आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा इस छोटे से जगह पे। लेने के बाद आपको यहाँ पे सीधा बैक प्रेस कर दीजिए। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना चैनल का जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे बस इस पे जाना होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको ये वाला कलर सिलेक्ट कर दीजिए। तो देखते हैं कलर चेंज हुआ कि नहीं। देख सकते, तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। और नीचे की तरफ जो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है इसको भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्नोलॉजी इन यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्नोलॉजी इन योर हैंड्स। तो ये पूरा अपना लोगो क्रिएट हो चुका है। तो बस इस तरह हमारा लोगो यहाँ पे बन चुका है। और आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे पीडीएफ आप यूज़ नॉर्मली होता रहता है, तो पीडीएफ को आपको चेंज करके जेपीजी कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। तो करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपन हो चुका है।
और यहाँ पे आप जूम करके भी देख सकते हैं, और नॉर्मली ये लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ आपको बता देता चाहूँगा, आप अगर यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पे फिर आप कैनवा पे जाते हैं, और जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर फाइन टेम्पलेट्स पे जाइए, और नीचे आपको जाना होगा यहाँ पे और सोशल ग्राफिक्स पे जाइए, तो सोशल ग्राफिक्स पे भी आपको ये वाली चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल का क्रिएट करने का भी मौका मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल्स आपको मिलते हैं यूट्यूब के लिए, तो आप इसको किसी भी क्रिएट कर लीजिए अपने हिसाब से। करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल वीडियो कि आप कैसे लोगो बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।